नहीं मिटा पाएगी आद्या, कान्हा जी का लिखा हुआ होगा ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आद्या जिस तरह से कोशिश कर रही है वो साफ साफ दिखाई दे रही है, जिसमें इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, झूठ है, चाले हैं, सब कुछ है। और एक तरफ कान्हा जी कोशिश कर रहे हैं जिसमें प्रेम है, समर्पण है, बहुत कुछ है। तो जीत किसकी होगी अल्टीमेटली, चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज प्रीकैप में आद्या का रूप देखा हमने। यहां पे मुझे एक चीज जाननी है जो आने वाले वक्त पता चलेगी कि क्या ये जो आद्या को पता चला है कि अनुपमा से अनुज मिल चुके हैं, क्या ये इसके बाद क्लियर हुआ है कि अनुज ने आके आद्या को पूछा हो कि बेटा तू तो कहती थी कि अनुपमा जोशी बहन नहीं है, तूने मुझसे झूठ बोला। अगर ये कन्फ्रंट करता है अनुज आद्या को, तो उसके बाद अगर आद्या ये रूप लेती है तो अनुज को बिल्कुल मानना नहीं चाहिए। मगर यहां पे अनुज उसकी बात मानेगा ये हम सब जानते हैं, क्योंकि जब आद्या ये बेटी वाली धमकी देती है अनुज को तो अनुज अपने आप ही पिघल जाता है। उसको लगता है कि मैं बर्बाद होता हूं तो हो जाऊं, मगर मेरी बेटी की बात मैं नहीं खिलाफ कर सकता। तो ये तो चीजें दिख रही हैं, आद्या की कोशिश, आद्या कितनी डेस्परेट हो रखी है कि अनुपमा अनुज की जिंदगी में ना आए, और ये अनुज को दिखाई दे रहा है। मगर अनुज बेबस है ऐसा भी दिखाई दे रहा है, मगर कान्हा जी बेबस नहीं है भाई। ये जो मिलन हुआ है इसमें आपने हर जगह पे सिंबॉलिक वे से कान्हा जी का ही जो है हाथ देखा है, घर से निकलने से लेके इवेंट तक पहुंचने तक, मीटिंग तक पहुंचने तक, सब आपने भी नोट किया होगा डेफिनेटली, क्योंकि हम सब इस सीरियल को बहुत ही गहराई से देखते हैं। मुझे आज ये देख के, जैसे लास्ट फ्रेम भी था कि अनुज अनुपमा खड़े हैं और बीच में कान्हा जी की तस्वीर है, दोनों के हाथ पकड़े हुए हैं, साफ दिखाई दे रहा है सिंबॉलिक वे से कि ये कान्हा जी चाहते हैं। और जब हम आद्या को बोलते सुनते हैं कि खबरदार अगर उस लेडी से मिले तो वो हम आद्या को देखते हैं। तो आद्या अब तक बहुत कोशिशें कर चुकी, बहुत कुछ कर चुकी है, आगे भी करेगी, मगर कितना भी कर ले, जो अनुज ने कहा है कि वो एक लाश की तरह है या जीना मर चुका है, जो भी कहा है अनुज ने, वो सब चीजों के बाद भी अगर आद्या ऐसा सोचती है कि मेरा पापा, मेरा पॉप्स, तो वो बॉडी के बारे में सोच रही है, क्योंकि आत्मा तो आद्या समझ ही नहीं पाई ना, वो समझना चाहती है। तो आत्मा को तो कान्हा जी ही समझते हैं, तो इसीलिए कान्हा जी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं इंसान के तौर पे कि कैसे इनको मिलाया जा सके। अनुपमा के जिंदगी में और अच्छे लोगों का आना, अनुज की जिंदगी में आद्या का होना, वो अनुज के लिए बड़ी एक गलती की तरह सामने आ रहा है, जो अनुज को डुबोता जा रहा है। मगर फिर भी कान्हा जी उसको बाहर निकालने की कोशिश में है, और आगे क्या होगा हम सब जानते हैं। मिलन होगा मगर देरी लगेगी और कठिनाई भी होगी। तो ये जो आद्या वर्सेस कान्हा जी का है, ये मुझे देख के थोड़ा सा लगा कि आपसे बात करनी चाहिए, क्योंकि आज तो ये पूरी तरह से साफ साफ ही दिखा कि कान्हा जी क्या चाहते हैं और आद्या क्या चाहती है। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।